वेलकम टू नेहाज किचन। ये देखिए मैंने तीन चीज़ें ले रखी हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इन्हीं तीन चीज़ों से बनाने वाली हूँ कोई डिश। ये मैं एक बहुत ही टेस्टी यमी लड्डू बनाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने खोया ले रखा है 1 कप और चीनी ले रखी है 2/3 कप और 1/2 कप मैंने सूजी ले रखी है। सूजी मैंने थोड़ी सी रोस्ट कर ली है, भून ली है और बिना घी डाले भुनी हुई है। ये तीनों चीज़ों से मैं एक बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो उसकी बर्फ़ी वगैरह भी बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। चलिए अब देर नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए मैंने पैन रख दिया है गैस पे और अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी जो मैंने ले रखी थी। 2/3 करीब कप ले रखी थी मैंने चीनी। और इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। पानी बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, बिल्कुल 1/4 कप यूज करना है और बल्कि उससे भी कम करना है। देखिए बस इतना कि ये चीनी मेल्ट हो जाए उसमें और इसकी बढ़िया चाशनी बनानी है हमें, जिससे कि बस हमारे लड्डू बन जाए। ये चलाते रहना है पहले तेज आंच पे, जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो थोड़ा सा हम धीमी आंच पे पका लेंगे इसे। और आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर या रोज वाटर या केवड़ा कुछ भी आप डाल सकते हैं, केसर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा आप फ्लेवर चाहें वैसा। अभी देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है, अब हम इसको स्लो कर देंगे और 5 to 10 मिनट्स इसको पका लेंगे। ये देखिए ये पूरी चीनी मेल्ट हो गई है और इसकी बढ़िया चाशनी बन के रेडी हो गई है। बस अब हम 1-2 मिनट में इसको बंद कर देंगे। इसको एक तार की चाशनी नहीं बनानी है हमने, नॉर्मल चाशनी बनानी है। बस थोड़ी थिक होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो लड्डू बंधेंगे नहीं। ये देखिए अब हम इसको 1 मिनट और पकाने के बाद, अभी 10 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अब मैं बस 1 मिनट में बंद कर दूंगी पूरे कंप्लीट 10 मिनट करके बस। और फिर उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा, नहीं तो गर्म में हमारे हाथ जलेंगे उसको लड्डू बनाते समय, इसलिए थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको। बट बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो लड्डू नहीं बन पाते हैं, थोड़ा गर्म ही रहने देंगे लाइट सा बस। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको गैस पे से उतार लेते हैं। ये देखिए सीरा भी ठंडा हो गया है अब थोड़ा सा। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, ये मैंने जो घर का बनाया हुआ खोया था वही यूज़ किया है मैंने। घी बनाया था वो मैंने रख दिया था फ्रिज में और अब मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। ये देखिए इसमें सूजी मिला लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो सूजी कम भी मिला सकते हैं, अगर आपको नहीं अच्छी लगे ज़्यादा तो आप कम भी मिला सकते हैं। इसको आप अच्छे से मल लीजिएगा इसके बाद, जिससे कि इसमें जो दाने दाने से रहते हैं घर के खोए में तो वो ना रह जाए। अगर आप बाजार से ले रहे हों तो उसको, वो तो पहले ही स्मूथ रहता है काफ़ी, तो उसको इतना मलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इसको आप अच्छे से स्मूथ कर लीजिएगा जिससे कि लड्डुओं में आपको दाने दाने से उतने ना दिखें। और सूजी को ध्यान रखिएगा धीमी आंच पे अच्छे से हमें भून लेना होगा। ये देखिए अच्छे से ये मिल गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सीरा डालेंगे। ये थोड़ा थोड़ा था इसमें सीरा ऐड करेंगे हम, जिससे कि इससे लड्डू अच्छे से बनते जाएं।
ऑलमोस्ट पूरी इसमें सीरा लग जाएगा जितना हमने बनाया था। 1/4 कप पानी लिया था मैंने और 3/4 कप चीनी ली थी। ये देखिए अब इसके लड्डू बनने लगे हैं। वैसे तो आप चाहें तो इतना भी मिला सकते हैं, बना सकते हैं, बट थोड़ी सी और हमें ऐड करनी पड़ेगा इसमें शुगर सिर्फ, जिससे कि ये बंद के टिक सके। ये दिवाली पे फटाफट बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट डिश है, बहुत ही फटाफट बन जाएंगी ये, इसलिए ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस दिवाली। ये अब मैं दिवाली स्पेशल सारी डिशेस लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और जो जो चीज़ें आप ऐड करना चाहें, फ्लेवर के लिए भी कुछ चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब बस इसकी बाउंड होने लगे हैं ये अच्छे से, तो इसके लड्डू बना लेंगे। देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बचपन से ही बहुत पसंद थे। हर बर्थडे में मेरा ये मेरी मम्मी मेरे लिए बनाती थी, तो ये जरूर से ट्राई कीजिए, मेरी मम्मी की रेसिपी है ये। ऐसे ही हम सारे लड्डू बन के रेडी कर लेंगे। इसमें करीब 12 या 15 बन जाएंगे लड्डू और बाकी साइज पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। प्लीज़ से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। अब हम ऐसे ही सारे बना लेंगे। ये देखिए हमारे टेस्टी से यमी यमी लड्डू बनके रेडी हो गए हैं और आई होप आपको पसंद आएंगी हमारी दिवाली स्पेशल रेसिपी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस दिवाली आप लोग, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली फटाफट मेरी रेसिपी आपको मिलती रहे। कोई भी रेसिपी मैं जल्दी जल्दी बनने वाली बताती हूँ आपको, बहुत इजी इजी वाली बताती हूँ, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।